आर्थिक भूगोल ज्योग्राफी की एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है और इसका जो अस्तित्व में आई है अचानक एकदम से नहीं आई है, इसके पीछे बहुत विकास है। जैसा कि हम जानते हैं भूगोल की दो शाखाएं हैं जो मेन ब्रांचेस हैं, वन इज फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल एवं सेकेंड इज ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल। आर्थिक क्रियाएं चूंकि मानव से ही संबंध रखती हैं, अतः ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की ही एक शाखा है, क्योंकि मानव भूगोल एक बहुत ही विशाल ब्रांच है और इसको सरलीकृत करने के लिए हमने इसको विभिन्न ब्रांचेस के अंदर विभिन्न शाखाओं में बांटा है। फर्स्ट इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सेकेंड इज पॉपुलेशन ज्योग्राफी, थर्ड इज सेटलमेंट ज्योग्राफी, अधिवास भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी राजनीतिक भूगोल, कल्चरल ज्योग्राफी सांस्कृतिक भूगोल, रीजनल ज्योग्राफी प्रादेशिक भूगोल एंड सोशल ज्योग्राफी सामाजिक भूगोल। इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाणिज्य भूगोल के रूप में पढ़ी जाती रही। 1882 के अंदर गॉट्स ने सबसे पहले इसको आर्थिक भूगोल के रूप में पहचान दी और उन्होंने कहा कि आर्थिक क्रियाएं जो भी मानव द्वारा की जाती हैं, वह पृथ्वी के क्षेत्रीय विभिन्नताओं के संदर्भ में अध्ययन करने वाली शाखा है, क्योंकि इसमें आर्थिक क्रियाएं होती हैं, अतः इसको जियोनॉमिक्स भी कहते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी आर्थिक क्रियाओं से संबंध रखती है, अतः इसमें विभिन्न प्रकार के व्यवसाय से संबंधित क्रियाएं होती रही और इन व्यवसायों को हमने चार भागों में बांटा है। फर्स्ट इज प्राइमरी ऑक्यूपेशन प्राथमिक व्यवसाय, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन द्वितीयक व्यवसाय, टर्शरी ऑक्यूपेशन तृतीयक व्यवसाय एवं क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशन चतुर्थ व्यवसाय। आज जो व्यवसाय का स्वरूप है वो एकदम से नहीं आया है, वो धीरे धीरे विकास करता हुआ आज यहाँ तक पहुंचा है। जब इस पृथ्वी पर मानव ने अपना विकास करना शुरू किया, उसकी प्रारंभिक अवस्था में जब था, तो वो प्राथमिक व्यवसाय करता था जिसमें उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति से रोटी कपड़ा और मकान थी, जिसके अंतर्गत विभिन्न क्रियाएं व्यवसाय के रूप में की जाती थी। फर्स्ट इज हंटिंग शिकार करना, फिशिंग मत्स्य पालन, लम्बरिंग लकड़ी काटना, पास्चरिंग पशुचारण, प्रिमिटिव कल्टीवेशन प्राथमिक जो कृषि की जाती थी एवं प्रिमिटिव माइनिंग प्राथमिक खनन का कार्य किया जाता था जो सिर्फ उसकी आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ था। धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ते गए और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन की क्रियाएं सामने आई जिसमें मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण का कार्य किया जाता था, इंडस्ट्रीज जिसमें उद्योग धंधे थे, डेवलप माइनिंग, स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर। अब कृषि का स्वरूप बदलने लगा और यहाँ पर वो कृषि करने लगा, स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर एंड स्पेशलाइज्ड एनिमल इंडस्ट्री। टर्शरी ऑक्यूपेशंस के अंतर्गत आने वाली जो क्रियाएं थी उसमें यातायात, ट्रांसपोर्ट, व्यापार, ट्रेड, बैंकिंग और कम्युनिकेशन संचार की क्रियाएं थी। उसके बाद में क्वार्टरनरी चतुर्थक व्यवसायों का रूप देखा गया जिसमें आती हैं क्रियाएं जैसे हायर सर्विसेज, जितनी भी उच्च सेवाएं आती हैं वो क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशन के अंतर्गत आती है। इसमें शिक्षा एजुकेशन शोध संबंधित जो रिसर्च है वो इसके अंतर्गत आती है, प्रबंधन की क्रियाएं इसके अंतर्गत आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जितनी भी प्रशासनिक सेवाएं हैं वो हम चतुर्थक के रूप में देखते हैं। ये एक आर्थिक भूगोल का एक बेसिक कंसेप्ट है कि हमें आर्थिक भूगोल पढ़ने के लिए पहले इन चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब हम इनके बारे में जानेंगे तब हम फिर नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे।